सो हेलो फ्रेंड्स, एक आज हम क्लिनिकल सिनेरियो से फार्माकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। मान के चलते हैं कि आपकी ड्यूटी ईआर रूम में लगी हुई है, डेट इज़ इमरजेंसी रूम में आपकी ड्यूटी लगी हुई है एज ए इंटर्न डॉक्टर। होता क्या है कि आप ऐसे बिल्कुल चिल बैठे हुए और सामने से एक पेशेंट स्ट्रेचर में आता है अपने अटेंडेंट के साथ। जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो आप अटेंडेंट से पूछते हो कि क्या हुआ है। सो उनके अटेंडेंट बताते हैं कि पेशेंट ठीक था, लेकिन अचानक से उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है और पेशेंट फेंट हो जाता है। आप थोड़ा सा और हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हो अटेंडेंट से, तो अटेंडेंट कहते हैं कि जो पेशेंट है ऑलरेडी डायबिटिक और इंसुलिन में है। सो सबसे पहले आपके माइंड में जाएगा कि मे बी इंसुलिन की डोज की वजह से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं चला गया, नंबर वन, या इसने मील स्किप कर दी। ठीक है, तो देखो हाइपोग्लाइसीमिया का जो सिम्टम है वो आप देखोगे कि सिर्फ एक्सेसिव स्वेटिंग ही होता, साथ साथ में ट्रीमर्स होंगे, पाल्पिटेशन होगी, टैकीकार्डिया होगा, है ना, तो साथ में सिम्टम भी आते हैं। लेकिन ऐसे कुछ पेशेंट को सिम्टम नहीं आए, पेशेंट ठीक था, एक्सेसिव स्वेटिंग हुई और पेशेंट फेंट हो जाता है। ठीक है, सो उसके बाद आपने इनिशियल ट्रीटमेंट किया और उसके बाद आपने उनकी कुछ रिपोर्ट्स देखी जो पेशेंट्स के अटेंडेंट अपने साथ लेकर आए थे। तो आपने देखा कि ये पेशेंट इंसुलिन के साथ साथ बीटा ब्लॉकर मेडिसिन भी ले रहा था काफ़ी दिनों से। सो हमारी फार्माकोलॉजी यहीं से स्टार्ट होती है। होता क्या एक्चुअल में, जो पेशेंट ऑलरेडी इंसुलिन में होता है और वो साथ साथ में बीटा ब्लॉकर भी ले रहा है, तो होता क्या है कि इंसुलिन का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है ना। तो बीटा ब्लॉकर का क्या रोल है इसमें, बीटा ब्लॉकर क्या करता है, मास्किंग द वार्निंग साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ये जो हाइपोग्लाइसीमिया के जो वार्निंग साइन होते हैं उसको मास्क कर देता है। सो अब देखते हैं कि जो बीटा ब्लॉकर है ये कैसे काम करता है बीटा वन रिसेप्टर में और बीटा टू रिसेप्टर्स में। तो अब देखोगे जो हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स आते हैं ये भी इन्हीं रिसेप्टर्स के थ्रू आते हैं। बीटा वन की बात करें तो बीटा वन के थ्रू क्या आएगा, टैकीकार्डिया एंड पाल्पिटेशन। बीटा टू के थ्रू क्या आता है, ट्रीमर्स। और जो पेशेंट ऑलरेडी ही बीटा ब्लॉकर ले रहा है तो उसमें क्या होगा, बीटा ब्लॉक हो जाएंगे बोथ बीटा वन एंड बीटा टू, और इसकी वजह से पेशेंट को टैकीकार्डिया नहीं होगा, पाल्पिटेशन नहीं होगा, ट्रीमर्स नहीं होंगे, बस पेशेंट को यहाँ पर एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। क्यों होगी एक्सेसिव स्वेटिंग, बिकॉज एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो सिंपैथेटिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। सो हमेशा एज अ इंटर्न डॉक्टर, एज अ जेआर, एज अ वट एवर, कभी भी जो पेशेंट इंसुलिन में है, ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको कभी भी बीटा ब्लॉकर प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, और यदि ज़रूरत पड़ भी जाए तो बड़ी सावधानी से हमें ऐसे पेशेंट्स को बीटा ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। सो आज का जो हमारे क्लिनिकल केस था आपको समझ आ गया। इसका जो मॉरल ऑफ द क्लिनिकल केस है, नेवर प्रिस्क्राइब बीटा ब्लॉकर्स टू अ पेशेंट डेट ऑलरेडी ऑन इंसुलिन थेरेपी। थैंक यू।